हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लेके आया हूँ एमएस वर्ल्ड का, जिसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे कि जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इवेंट ऑर्गेनाइज तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद एप्रिसिएशन के लिए जब हम सर्टिफिकेट्स बनाने की बात करते हैं तो हमें एक-एक नाम को टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक, से मान लीजिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, हमने क्या किया उसका टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमें, हमारे पास बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, मैं आपको एक एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये एक्सेल शीट है जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 100+ पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पार्टिसिपेंट्स 1000+ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, डाटा तो हम जनरेट कर लेते हैं किसी भी तरीके से कि नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या है, कोर्स क्या है, ब्रांच क्या है, क्या उसको अप्रिसिएशन मिला है, लेकिन ये सब चीज़ें टाइप करने में, सर्टिफिकेट्स में मेंशन करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एमएस वर्ल्ड की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप 1 मिनट में, चाहे कितनी भी बड़ी आपके पास एमएस एक्सेल की शीट हो, चाहे कितने भी सारे नेम्स हो, वो आप 1 मिनट में सबके सब सर्टिफिकेट्स बना लेंगे। यानी कि आप 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स पे नेम, ब्रांच और कुछ भी जो डाटा आप चाहते हैं, सर्टिफिकेट आईडी, एवरीथिंग आप उसमें लिख पाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैं ऐसा प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऐसा प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एमएस एक्सेल की शीट है, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास नेम्स हैं, कोर्स है, ब्रांच है और किस बच्चे को क्या अवार्ड मिला है वो लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर रखा है, रफ टेम्पलेट है, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाए और जहाँ मैंने ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी ब्रांच आ जाए और उसको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो मेडल मिला है वो यहाँ पे आ जाए। अब मेरी बात समझ गए? तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक रफ टेम्पलेट बनाऊंगा, ठीक है, मैं फेयर टेम्पलेट बनाऊंगा। उस फेयर टेम्पलेट में मैं नेम्स की जगह क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्सेल शीट है जिसमें कि एक बच्चा है आशीष कुशवाहा जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है, उसको गोल्ड मेडल मिला है। तो मैं अगर टाइप करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ टाइप करना, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेलिंग पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट मेल मर्ज इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। एक्चुअली क्या हो सकता है कि कई बार हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, तो उसको हम क्या करेंगे नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि रेसिपिएंट्स कहाँ से हैं, तो सेलेक्ट रेसिपिएंट में हम जाएंगे और हमारे पास क्योंकि एक पहले से एमएस एक्सेल की शीट बनी हुई है, हम क्या करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे हम अपनी फाइल पे जाएंगे जो कि डेस्कटॉप में सेव है पहले से, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स के नाम से, मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो वो पूछ लेता है, क्योंकि मेरी जो एक्सेल शीट है इसमें केवल एक ही शीट है जिसका नाम है फॉर्म रिस्पॉन्सेज, ठीक है, तो वो बता देता है कि कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेज है, पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हमें यहाँ पे टिक करना है कि फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेन्स कॉलम हेडर, यानी कि जो पहली रो है उसमें हमने नेम्स, ब्रांच, ये वो केवल हेडिंग दे रखी है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद ओके, तो जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे रेसिपिएंट की लिस्ट इसमें आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब वो पूछ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, तो अभी हमें क्या करना है, नेम की जगह वहां से इस वाली एक्सेल शीट से नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, नेम को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स में जाएंगे और नेम ऑफ पार्टिसिपेंट क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने आप एक एसक्यूएल फाइल बनाता है एसक्यूएल फॉर्मेट में, जो कि नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ब्रांच भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ब्रांच पे क्लिक सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट मर्ज और ब्रांच, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट
पार्टिसिपेंट का नेम फ्रॉम उसकी ब्रांच आ जाएगी, हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एक्स वाई जेड इवेंट एंड इज अवॉर्डेड। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसका गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज क्या मेडल है ये आ जाए, तो मैं क्या करूँगा इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर से इंसर्ट मर्ज सेल में जाऊँगा और मेडल, ठीक है ठीक है। तो जैसे मैं ये करूँगा तो ये मेरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं प्रीव्यू रिजल्ट देखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आशीष कुशवा जो कि मेरी पहली एंट्री है, देखिए आप आशीष कुशवा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो मैं अपनी वर्ड फाइल में आता हूँ, आशीष कुशवा फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को गोल्ड मेडल मिला है। और इसमें अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो एक्सेल की लिस्ट है ये बहुत बड़ी है, ठीक है, ये कितने हैं 109 तक है, तो यानी कि 108 एंट्रीज हैं इसमें। तो अब मैं यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सेकेंड एंट्री क्या है, आयुषी कुकरेजा, इसको क्या मिला है ब्रॉन्ज मेडल, तो ये आयुषी कुकरेजा ब्रॉन्ज। और एक अच्छी बात क्या है कि सपोज़ मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, सपोज़ मैंने क्या किया इस कलर को ब्लू कलर कर दिया, इसको भी मैंने ब्लू कलर कर दिया ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये एक अलग हुआ है, और इसको भी मैंने ब्लू कर दिया, तो मैं देखूंगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट रेडी हो गया है। और जब मैं उसका मेलिंग में जाके प्रीव्यू देखूंगा तो सभी में जो मैंने एडिटिंग की होगी अपने उसमें वो हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से मैंने सारे सर्टिफिकेट्स में एक मिनट में नेम्स लिख दिए हैं। इसी तरीके से आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली जब ये फाइल बन जाती है तो आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना है, आपको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में जाके मैं अगर किसी एक फाइल इंडिविजुअल किसी फाइल को एडिट करना है तो वो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँगा प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर लूँगा। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें कि करंट रिकॉर्ड को ही करना है या किसी पेज नंबर से किसी पेज तक करना है, ठीक है, तो मैं ऑल कर देता हूँ। और ये मेरी एक PDF फाइल जनरेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ओके करूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ये पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ऑल एक कॉपीज, ओके, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ CERTIFICATES सर्टिफिकेट्स के नाम से, और डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट्स ऑल कर लेता हूँ, सेव, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, ये पूरी फाइल को प्रिंट कर रहा है, यानी कि एक सिंगल PDF फाइल में कन्वर्ट कर रहा है। और आप सिंगल PDF को बाद में स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिंगल PDF फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑल, जिसमें कि सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स मैंने एक मिनट में बना दिए हैं। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा सर्टिफिकेट्स में टाइप करने की बजाय सीधा सिंपल ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं, टाइम ले रहे हैं, और सीधा PDF जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने फाइनली फाइल बनाई है, ठीक है, इसमें सारे बच्चों के सर्टिफिकेट्स विद ब्रांच और वो आ गए। थैंक यू सो मच।